हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आप सब के लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी टॉयज गैजेट्स का कलेक्शन और आप देख सकते हैं यहां पर कितनी सारी प्यारी प्यारी चीजें आज हमारे सामने रखी हुई हैं और सारी ही चीजों का मैं एक एक करके रिव्यू करने वाला हूं सारी चीजों की एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना तक बिल्कुल भी स्किप मत करना तो शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर हमारे पास एक पिंक कलर की लिपस्टिक आपको नजर आ रही होगी ये देखो ये गाइज मैं आपको बता दू देखो यहाँ पर तो बारबी भी बनी हुई है और देखो इधर भी और देखने

देखो कितना मस्त है ना यार इसका मतलब स्टाइलिश है यार गन मतलब मजा आता है इसके अब तो खेलने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसके बाद यहां देखो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी वॉच है जो है एक आयरन मैन की वॉच और देखो यहां पर आयरन मैन का फेस भी बना हुआ है यहां पर लिखा इंक्लूड्स लाइट एंड म्यूजिक तो चलिए इसको चेक करते हैं कैसी वॉच है और किस तरीके से काम करती है यह अच्छी है अच्छी भी या नहीं तो अभी इसको निकाल लेते हैं बाहर हमने वॉच को जो है बाहर निकाल लिया देखो क्या एकदम शाइनी एकदम चमकदार बहुत ही मस्त वॉच यहां पर हमारे सामने है यहां पर आयरन मैन का फेस है यहां पर भी और यह तो पूरा एकदम रियल फेस यहां पर आयरन मैन का दिया गया है टाइम देखने के लिए आपको इस तरीके से इसका ढक्कन

कमेंट में जरूर बताना गाइज मुझे मुझे तो ये वॉच बहुत ज्यादा पसंद है इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर एक शार्पनर है जो एक है डोरे मोन का शार्पनर और देखो कितना क्यूट है ना इसको आप कहीं पर भी ऐसे बिठा के रख सकते हो और पेंसिल कैसे शार्प करेंगे गाइज यहां से पेंसिल आपको डालनी है और पेंसिल शार्प करने के बाद डस्ट यहां पर सारा कलेक्ट हो जाता है इसको बाद में आप खाली कर सकते हो कितना क्यूट है ना ये इसके बाद यहां पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारी एक डायरी इसमें लिखा है लिटल आउल और यहां पर एक बहुत ही क्यूट सा कार्टून वाला आउल बना हुआ है देखो पीछे से भी एकदम एक आउल यहां पर बना हुआ है और इसको ऐसे खोलेंगे यहां पर एक मैग्नेट इसके अंदर इनबिल्ट होता है जिसकी वजह से ऐसे चिपक जाता है इसको ऐसे ओपन करोगे तो यहां पर देखो इस डायरी के अंदर कितने सारे पेजेस है ये बहुत ही मोटी डायरी है देखो कितनी एकदम मस्त लग रही है ना देखो बहुत सारे पेजेस है इसके अंदर काफी कमाल की डायरी है ये इसके

और देखो यहां पर है केविन बॉब और स्टूअर्ट यहां पर तीनों मिनियंस uh, के करेक्टर है यहां पर और पीछे देखोगे तो यहां पर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ए टू जेड लिख सकते हो वन से नाइन तक टेबल भी इसके ऊपर लिख सकते हो लिखी हुई है सॉरी उसको आप पढ़ सकते हो इसके बाद आप यहां से इसको ओपन करोगे तो देखो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है यहां पर एक स्टेंसिल मिलता है एक स्केल है देखो इसके अंदर शेप्स भी दी गई है ए टू जेड भी इसमें लिखा हुआ है और यहां पर देखो इसके अंदर एक शार्पनर है बहुत ही क्यूट देखो और यहां पर एक इरेजर है दो पेंसिल्स है अब ये प्लास्टिक की जो ट्रे है इसको हम हटाएंगे यहां से और ट्रे को

से ओपन होता है इस तरीके से बंद भी हो जाता है यहां हमारे पास बहुत ही कमाल की एक पेंसिल बॉक्स है ये देखो ये हमारे पास मिनी माउस और डेजी डेजी डक वाली एक बहुत ही प्यारी पेंसिल बॉक्स यहां पर देखो यहां पर डोनाल्ड डक और डेजी डक बने हुए हैं और यहां पर मिनी माउस और डेजी डक बने हुए हैं ये लिखा है यहाँ मिन नी लिखा हुआ है पर और लिखा बेस्ट फ्रेंड ओनली फॉर यू ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं इसलिए ऐसा यहां पर और देखो यहाँ पर दो बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी जिप दी गई है और यहां पर एक लाइट पर्पल कलर की जो है जिप है तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं देखो इसके अंदर कितना सारा स्पेस है अंदर से पूरी पिंक कलर की है ये तो ये देखो इसके अंदर नेट वाली पॉकेट है यहां से नेट वाली पॉकेट ओपन करके इसके अंदर इरेजर शार्पनर कुछ भी जो फिट हो जाए वो इसके अंदर आप डाल दो और इसको जिप को बंद कर दो और इसको कितना भी हिलाओगे सामान बाहर नहीं गिरेगा यहां पर पेन पेंसिल लॉक करके रख हो और इसके नीचे आप इरेजर शार्पनर और स्केल कंपस सेट स्क्वायर डिवाइडर वगैरह या कुछ भी जो आपको रखना है पेन पेंसिल्स कलर्स क्रियॉन्स कुछ भी आप इसके अंदर आराम से रख सकते हो कितनी क्यूट है ना ये पेंसिल बॉक्स देखो कितने प्यारे प्यारे कैरेक्टर बने हुए हैं पर पर इसके बाद पर हमारे पास एक पिंक कलर का अम्ब्रेला आपको दिख रहा होगा ये गाइज एक पिंक कलर का पेन है अम्ब्रेला शेप में कैसे यूज करेंगे इस पेन को यहां से इसकी कैप हटाओ और सिंपली आप पेन को यूज कर सकते हो सब यही बोलेंगे देखने के बाद ये पिंक अम्ब्रेला छोटा मिनी अम्ब्रेला कहा से लाए हो फिर आप बता सकते हो कि अम्ब्रेला जैसे दिखने

मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा ऑरेंज कलर का डॉगी है और ये डॉगी वाली एक इरेजर है देखो इससे आप इरेज कर सकते हो और आप ना इसको ऐसे खड़ा करके भी जो है रख सकते हो बहुत ही क्यूट लगेगा देखने में एकदम कोई टॉय की तरह ही ये नजर आ रहा है बट ये एक इरेजर है तो टॉय का भी काम करता है ये इरेजर का भी ये काम करता है इसके बाद हमारे पास एक फीट है देखो एक पैर आपको नजर आ रहा होगा यहां पर एक पांडा बियर बना हुआ है लिखा स्वीट स्माइल और ये लिखा पेंसिल शार्पनर जी हां ये भी एक पेंसिल शार्पनर है पैर के डिजाइन वाला तो आपको यहां से पेंसिल डाल के शार्प करना है और जितना मर्जी इसके अंदर डस्ट भर दो बाद में आप जब फुल हो जाए ना इसके अंदर जो कचरा जो पेंसिल का है बाद में ऐसे खोपन करके आप खाली कर सकते हो कहीं पर भी काफी कमाल का है ना ये इसके बाद हमारे पास देखो क्या है यहां पर हमारे पास एक एवेंजर्स का बहुत ही कमाल का पेंसिल बॉक्स और ये ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है यहां पर बाइस गाइज कैप्टन अमेरिका है यहां पर आयरन मैन है और यहां पर है बहुत ही गुस्से वाला हल्क और यहां लिखा है स्मैश यहां लिखा है मार्वल एवेंजर्स देखो कितना कमाल का लिखा वूश या लिखा का है यार ये तो बहुत ही जबरदस्त एक मुझे पेंसिल बॉक्स लगा तो इसको ओपन करते हैं यहां से यहां से ओपन करते हैं देखो कितना बड़ा ह्यूज स्पेस यहां पर देखने के लिए मिल रहा है और यहां पर इसको इधर से भी ओपन करोगे तो यहां पर देखो वन टू थ्री फोर फोर स्पेस यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं और यहां पर लिखा है शार्पनर यहाँ आप शार्पनर रख सकते हो यहाँ लिखा है इरेजर यहां इरेजर रख सकते हो और बाकी के एरिया में बाकी की चीजें रख सकते हो ये टू इन वन पेंसिल बॉक्स है इधर इधर से से भी भी ओपन होती है है कितनी कमाल की है ना और देखने से पता नहीं चलता सीधी किस तरफ से है क्योंकि इधर भी और इधर भी सेम ही कैरेक्टर जो है दिए गए हैं काफी कमाल की पेंसिल बॉक्स है ना आपको कैसी लगी एवेंजर्स की पेंसिल बॉक्स कमेंट में मुझे जरूर बताना आप लोग इसके बाद यहाँ पर एक पेन हमारे पास रेड कलर का और जिसके ऊपर एक कोला की बॉट स्ट्रॉ भी लगी हुई है

टिप गई अब इसको बंदर करना है तो यूज करने के बाद ऐसे प्रेस करके अंदर कर सकते हो कितना कमाल का मल्टी कलर पहनाना कैसे कोला वाला रेड कलर का और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल का आइसक्रीम शेप में क्यूब है देखो मैं दिखाता हूं क्या है ये ये कोना है आइसक्रीम कोन मैं आपको दिखाता हूं क्या है ये एक आउल शेप में आइसक्रीम शेप वाला इरेजर है जी हां ये इरेजर है ये देखो पूरा रबर का है और एकदम ये आइसक्रीम की तरह लगता है देखने में कितना क्यूट इसके ऊपर आउल बना हुआ है इसकी आइज कितनी बड़ी बड़ी और कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही है ना देखने में और देखो कितना क्यूट है एकदम बहुत ही जबरदस्त आइसक्रीम कौन है इरेजर शेप में काफी बड़ी इरेजर इरेजर है आइसक्रीम शेप में काफी कमाल का यार मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा आपको कैसा लगा और आपने ऐसा इरेजर देखा इतना बड़ा इरेजर देखा है तो कमेंट में बताना बहुत ही ह्यूज इरेजर है और ये जल्दी खत्म भी नहीं होगा इसके बाद यहां पर आप देखोगे हमारे पास एक ब्लू कलर का छोटा सा मिनी बॉक्स इसका नाम है बी टी ट्वेंटी लिखा है स्टडी प्लानर और पीछे भी ऐसे ही सेम दिया गया और है और ये जो कैरेक्टर है ना बीटीएस के शायद कैरेक्टर है इनके बारे में आपको पता है या इनके नाम जानते हो तो कमेंट में बताना यहाँ एक स्ट्रैप है इसको ना फिंगर में ऐसे पकड़ के ऐसे कहीं भी ले जा सकते हो और घर में कहीं पर इसको हुक में या कील में टांग भी सकते हो या दो छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी जिप है इनको ओपन करते हैं ओपन करते ही आप देखोगे यहां पर ना हमें मिलता है बहुत ही बड़ा स्पेस और यहां पर ना इसके अंदर इरेजर शार्पनर कॉइंस ईयरफोन्स एयरपॉड जो भी आपका फिट हो जाए ना सामान वो इसके अंदर आप रख सकते हो देखो कितना कमाल का है ना ये कितना क्यूट है छोटा सा और ये आपकी पॉकेट में भी आराम से आ जाएगा इसको तो पॉकेट में रख के भी आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो बहुत ही जबरदस्त है और यहां पर मैं आपको दिखाने चाहता हूं हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज वुमन वाला एक पेंसिल बॉक्स ये बॉक्स ना आपने कभी नहीं देखा होगा लाइफ में पहली बार आप जरूर देख रहे हो गए यहां पर देखो तो चाइनीज नहीं तो वहां बनी हुई है यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है और देखो कितना ये पासवर्ड लॉक वाली बॉक्स है ये पासवर्ड डालने से ही खुलते हैं और इसका वन थ्री फोर और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक हैंडल भी दिया गया है इससे पकड़ के आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हो देखो कितना क्यूट लग रहा है ना और इसका पासवर्ड हम डालते हैं इसका पासवर्ड वन थ्री फोर तो यहाँ आपको आपको कुछ गिनती दिख रही होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसका पासवर्ड वन थ्री फोर तो हम वन को नीचे करेंगे थ्री को नीचे करेंगे और फोर को नीचे करेंगे ये हमने नीचे कर दिया अब ये बटन है इसको हम दबाएंगे और दबा के इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे और ये देखो ये बॉक्स ओपन हो गया और ओपन करते यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर हमें मिलता है सबसे पहले एक मिरर इसके अंदर शीशा भी है और उसके बाद यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लीकेशन टेबल और यहाँ पर वन से नाइन तक मल्टीप्लीकेशन टेबल दी गई है और इसको यहाँ पर एक ट्रे है इसके ऊपर भी सामान आप रख सकते हो यहाँ पर और ट्रे को आप ऐसे ऊपर कर सकते हो और ट्रे को ऊपर करने के बाद यहाँ से समान यहाँ देखो नीचे भी स्पेस मिल रहा है यहाँ पर भी स्पेस मिल रहा है और यहाँ पर भी पर पर तीन तीन जगह स्टेशनरी रख तो देखो वन टू थ्री और फोर फोर जगह आपको स्टेशनरी रखने के लिए मिल रही है या आप चाहो तो मेकअप की चीजें भी रख सकते हो यहां पर तो मिरर मिल ही रहा है आपको तो काफी कमाल का यह बॉक्स है यार बड़ा यह पेपर बोर्ड का, का यह बना हुआ पेपर का बहुत ही जबरदस्त है इस देखो कैसा लगा आपको यह हमारा जैपनीज वुमन वाला पेंसिल बॉक्स कमेंट में जरूर बताना बहुत जबरदस्त अभी देखो तो को इसको कोई ओपन करना चाहेगा नहीं ओपन करेगा इसका पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा और ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना एक स्टिकर है इसको आपको जब पासवर्ड याद हो जाए तो इसको हटा सकते हो ताकि कोई और आपकी मर्जी के बिना इस बॉक्स को ओपन ही ना कर पाए इसके बाद यहां पर आप देखोगे हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लास्टिक का बना हुआ पेंसिल बॉक्स और यहां कौन सा कैरेक्टर बना हुआ है गाइस चलो वो तो यहां लिखा ही हुआ है ये है गाइज थॉर एवेंजर्स का थॉर और थॉर को तो पता है थॉर है गाइज बहुत ही बड़ा आ, सुपर हीरो बहुत ही जबरदस्त आपका एवेंजर्स में सुपर हीरो फेवरेट कौन सा है मेरा तो कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन है आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ और चलिए इसको ओपन करते हैं तो इसको ओपन करते ही आप देखोगे यहां पर हमें एक व्हाइट कलर की ट्रे मिली है ट्रे के ऊपर हमें मिली है एक एवेंजर्स एवेंजर्स की की पेंसिल पेंसिल इसके ऊपर कैप्टन अमेरिका प्रिंटेड है 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 काफी कमाल यहां पर Avengers भी लिखा हुआ यार और इसको ना ये पेंसिल लॉक है यहां पर इस तरीके से आप बहुत सारी पेंसिल्स को जो है लॉक करके रख सकते हो इसके अंदर चार पेंसिल और आ जाएंगी और ये ट्रे को हटाएं रिमूव करने के लिए यहां पर देखो इस तरीके से टैग सा दिया गया है तो इसको ऊपर करोगे आप तो ये देखो ऊपर करते हैं यहां पर आपको नीचे स्पेस मिल रहा है नीचे आपको क्या क्या मिलता है यहां पर एक 15 सेंटीमीटर का हमें स्केल मिल रहा है इस देखो यहाँ पर देखो इसके ऊपर कौन कौन से कैरेक्टर है यहाँ पर हल्क है आयरन मैन है और कैप्टन अमेरिका बने हुए हैं इसके अंदर 15 सेंटीमीटर का स्केल है और यहाँ पर एक छोटी सी बेसिक सी इरेजर है और यहां पर एक टाइम टेबल स्लिप हमें मिलती है जिसके ऊपर आप आप मंडे टू सैटरडे का आपका क्या टाइम टेबल है है बुक्स कौन सी लेकर जानी है, वो सब आप इसके ऊपर लिख सकते हो और यहाँ पर भी कैरेक्टर्स बहुत सारे बने हुए हैं तो काफी कमाल की मुझे ये पेंसिल बॉक्स लगी है थॉर वाली बहुत जबरदस्त है इसका कलर भी बहुत ही अलग है बहुत जबरदस्त लगी मुझे इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पाइडर की पेंसिल बॉक्स है और कार शेप की मेटल की बनी हुई पेंसिल बॉक्स है देखो यहाँ पर कार के व्हील भी प्रिंटेड हैं लेकिन एकदम देखने में ना एकदम रियल कार की तरह लगती है ये तो इसको ओपन करके देखते हैं और यहाँ पर एक सनरूफ भी दिया गया इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है सब आप बाहर से ही देख सकते हो तो इसको ओपन करते हैं ओपन करते ही देखो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है देखने के लिए यहाँ पर गाइज हमें मिल रहा है एक बहुत ही प्यारी स्पाइडरमैन की पेंसिल और यहाँ पर देखो एक ट्रे है और ट्रे के ऊपर हमें मिलता है एक इरेजर एक शार्पनर और यहाँ पर एक स्केल मिल रहा है हमें और ये है गाइस मार्वल एव स्पाइडरमैन का स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल भी है यहाँ पर काफी कमाल की चीज है यार ये तो इसके बाद एक मेटल की ट्रे है मेटल की ट्रे पे वन से नए तक टेबल लिखी हुई है यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन प्रिंटेड है और स्पाइडरमैन के पीछे एक विलन भी है तो इसको ओपन करोगे यहाँ से और यहाँ पर स्टेशनरी रखने का इसके नीचे बहुत ही ह्यूज स्पेस मिल रहा है और ये देखो इस तरीके से इजिली बंद हो जाती है ये देखो और ये बंद हो गई काफी कमाल की पेंसिल बॉक्स है गाइस स्पाइडरमैन वाली और सर कलर ब्लू बहुत अच्छा है ये ना जरूर से आप ये बॉयज को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बॉयज का फेवरेट कलर ज्यादातर ब्लू ही होता है और गर्ल्स का पिंक होता है और आपका फेवरेट कौन सा है भी जरूर बताना मुझे और इसके बाद यहां पर है गाइज बी टी एस आर्मी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बी टी एस वाली पेंसिल बॉक्स यहां पर देखो लिखो यहां पर बहुत सारे बीटीएस के करेक्टर बने हुए हैं टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पर कैरेक्टर दिए गए मेरे हिसाब से इनके सेवन कैरेक्टर्स होते हैं और यहाँ पर एक कम मुझे लग रहा है और यहां पर देखते हैं काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कैरेक्टर्स होते हैं एक कैरेक्टर का सिर यहां पर दिख रहा है बस देखो लेकिन यहां पर पूरा सेवन कैरेक्टर पूरा दिख रहा है तो सेवन कैरेक्टर है गाइस बीटीएस के अब मुझे कमेंट में आप इन सबके नाम बताओ इन सबके नाम क्या है तो गाइस चलिए यहाँ देखो यहाँ पर बी टी एस लिखा हुआ है यहां पर एक मिनी बॉक्स है ये देखो यहां से ओपन कर सकते हो यहां पर मैगनेटिक दिया गया है ये यहाँ से बंद हो जाता है और यहाँ पर एक बटन है ब्लू कलर का इसको दबाओगे यहां पर पेंसिल शार्पनर ओपन हो जाता है दो दो होल है यहाँ से दो दो पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और यहां से आप बाद में डस्ट निकाल सकते हो और ये देखो यहां से ओपन करोगे आप यहाँ पर देखो पेंसिल लॉक मिले आपको चार चार यहाँ पर टाइम स्कूल टाइम टेबल लिखने की स्लिप मिली है जिसको आप ऐसे रिमूव करके लिख सकते हो और बाद में अंदर इसके अंदर डाल सकते हो यहाँ पर बहुत सारी स्टेशनरी आप रख सकते हो और ये पीछे से भी ओपन होती है यहाँ पर भी काफी सारी स्टेशनरी आप आराम से रख सकते हो तो बीटीएस की है प्लास्टिक की पेंसिल बॉक्स बहुत जबरदस्त है और यहाँ पर जो इसका मिनी एरिया दिया गया है ना यहाँ पर तो इरेजर शार्पनर कुछ भी रख सकते हो बहुत आराम से आप लोग और इसके बाद गाइज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज है जो है गाइज एक ड्रीम स्पेस का बॉक्स और देखो ये बैग जैसा बॉक्स है काफी बढ़िया तो देखो ड्रीम स्पेस यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर काफी सारी स्टेशनरी निकलती होगी तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या देखने मिलता है तो ये देखो इसको ओपन करते हैं यहां से इसको हमने ओपन किया और इसको खींचते हैं बाहर तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है देखने के लिए तो ये बॉक्स को हमने खाली कर लिया है और बॉक्स खाली होते ही गाइज ये देखो हमें ये ये खाली हो गया है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने मिल रहा है तो ये हमने पूरा निकाल लिया है इसके अंदर काफी सारी चीजें रखी हुई हैं तो चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले इसके अंदर ऊपर हमें मिला है क्या है एक गाइस ड्राइंग बुक मिली है हमें इसके अंदर तो इसके अंदर बहुत सारे व्हाइट कलर के पेजेस है बहुत बढ़िया बढ़िया इसके ऊपर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो इसके बाद इसके अंदर हमें एक मिली है मेटल की पेंसिल बॉक्स या लिखा ड्रीम स्पेस यहाँ पर एक देखो एक बहुत बढ़िया प्लेन बना हुआ है यहाँ पर वन से न टेबल लिखी हुई है ए टू जेड भी लिखा हुआ है इसको यहाँ से ओपन करोगे इसके अंदर स्टेशनरी आप रख सकते हो इसके बाद देखते हैं क्या है इसके बाद यहाँ पर गाइज हमें मिले हैं ट्वेल्व कलर्स क्रियोन्स ये देखो वाव बहुत सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्रेन्स यहां पर देखने मिल रहे हैं ये देखो क्रेनस है इसके अंदर क्रेन भी मिल रहे हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या मिलता है स्किट किट के अंदर स्किट के अंदर गाइस हमें मिल रहे हैं सिक्स कलर पेन तो देखो इस बॉक्स के अंदर कलर पेन है लिखा है सिक्स कलर पेन तो सिक्स ही होंगे इसके अंदर देखते हैं तो यहां पर हमें सिक्स कलर पेन देखने के लिए मिल रहे हैं ये रहे सिक्स कलर पेन अब देखते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसके अंदर पर एक पजल मिला है, है यहां पर तो देखो ये पजल है सारे टुकड़े टुकड़े करने हैं और बाद में आप इनको खुद से जोड़ सकते हो तो जिग्सॉ पजल मिला है टाइम पास करने के लिए और यहां पर गाइज हमें इसके अंदर नेक्स्ट मिला है बहुत सारी मुझे लगता है पेंसिल्स है इसके अंदर और ये देखो ये एच बी टू ग्रेफाइट पेंसिल है इसके अंदर तो ये देखो निकाल के दिखाता हूं मैं आपको इसके अंदर टोटल हमें सिक्स जो है स्पेस वाली ड्रीम स्पेस वाली पेंसिल मिली है जिनको आप शार्प करके यूज कर सकते हो आप देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर एक आ, क्या है इसके अंदर और नेक्स्ट यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है इसके अंदर काफी प्यारा और यहाँ पर एक इरेजर और एक शार्पनर है इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी और इसके बाद लास्ट में इसके अंदर एक और चीज है वो है गाइज यहां पर एक ड्रीम स्पेस के कलर पेंसिल है यहां पर टोटल ट्वेल्व कलर पेंसिल इसके अंदर मिलेंगी देखो यहाँ पर कलर पेंसिल प्रिंटेड है तो निकाल कर देख लेते हैं तो इसको हमने यहाँ पर ओपन किया और तो ये देखो यहां पर कलर पेंसिल इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है और ये देखो इनकी टिप तो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें जो है यहां पर देखने के लिए मिलती हैं तो आपको ड्रीम स्पेस का जो बैग हमने ओपन किया वो कैसा लगा कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ यार मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी इसके अंदर इसके अंदर काफी सारी चीजें थी और बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी थी और इसके बाद गाइज यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी आउल वाली इरेजर है देखो कितनी क्यूट लग रही है और यहाँ पर एक गाइज बहुत ही जबरदस्त हमारे पास पेंसिल बॉक्स है और ये बहुत ही पसंद आएगा आपको क्यों मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर जो ये देखो बहुत ही सॉफ्ट कुछ सॉफ्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको आप कितना भी प्रेस करो इसके ऊपर आप सिर रख के भी सो सकते हो बहुत मुलायम और बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन है लेकिन स्पेस ट्रेवल और देखो यहां पर एक देखो यहाँ लिखा एक पेंसिल शार्पनर बना हुआ है यहां पर शार्पनर है इसको इस तरीके से निकालोगे यहां पर बाहर तो ये ये देखो है पेंसिल शार्पनर यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो और बाद में ऐसे ढक्कन ओपन करके आप डस्ट निकाल सकते हो काफी कमाल का है ना और ये बंद कर दिया हमने यहां से इसको ओपन करोगे यहाँ पर क्लास शेड्यूल ख्या, स्लिप मिलते हैं इसके ऊपर शेड्यूल लिख सकते हो यहाँ पर पेंसिल लॉक करके रख सकते हो यहाँ पर इरेजर शार्पनर रख सकते हो उसको बंद करते हैं इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशनरी रखने के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी काफ़ी कुछ है यार इसके अंदर इसके बाद यहाँ पर एक प्रिंसेस वाली प्रिंसेस एल्सा वाली कार शेप में पेंसिल बॉक्स है हमारे पास ये देखो स्नोमैन है यहाँ पर प्रिंसेस एल्सा बनी हुई है तो इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते ही देखो क्या है? इसके अंदर एक सरप्राइज होता है मैं आपको दिखाता हूँ तो हमने ओपन कर दी, इसके अंदर एक सरप्राइज ये है कि इसके अंदर एक मिनी कार पेंसिल बॉक्स मिलती है जिसको ओपन करके इसके अंदर भी आप चीजें रख सकते हो और इसके ऊपर यहाँ पे वन से टेबल लिखी हुई है और इस ट्रे को हटाओगे ट्रे के नीचे भी स्पेस आपको मिल जाता है बहुत सारा स्टेशनरी रखने के लिए तो ये बंद कर देते हैं हम लोग इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है यूनिकॉर्न के हाइलाइटर्स देखो मैं दिखाता हूं आपको यहां पर एक छोट क्यूट यूनिकॉर्न है और इसके अंदर जो हाईलाइटर मिलते हैं हमें देखने के लिए तो ये देखो गाइस और ये गिर गया मैं उठा के दिखाता हूँ ये देखो यहाँ पर पर्पल कलर है यहाँ से ओपन करोगे यहाँ पर येलो कलर है हमें और इसके अंदर यहाँ से ओपन करोगे यहां पर जो है पिंक कलर देखने के लिए मिलता है तो काफी बढ़िया हाइलाइटर्स है यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर एक डायनासोर की बहुत बहुत जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है, है हमारे पास इसके अंदर चार बटन है यहाँ पर तो ये देखो ये है एक टेप कटर का बटन टेप कटर का बटन दबाते हैं यहाँ से टेप कटर ओपन हो जाता है गाइज यहाँ पर देखो टेप भी है और कटर भी लगा हुआ है यहाँ पर पेंसिल शार्पनर लिखा है ये बटन दबाते हैं यहाँ से पेंसिल शार्पनर ओपन हो जाता है ये रहा शार्पनर ये यह बटन यहाँ लिखा है सीजर ये बटन दबाते हैं यहाँ से सीजर बाहर आ जाती है ये सीजर इसके अंदर ये पेपर कट करने वाली सीजर है यहाँ पर एक बटन है इरेजर ये बटन दबाते हैं यहाँ से इरेजर रखने का स्पेस ओपन हो जाता है कितनी कमाल किया ना और ये इजिली बंद भी हो जाती है ये देखो ये बंद हो गई अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे यहाँ पर रिखा रूलर यहाँ एक बटन है इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ से रूलर जो है बाहर आ जाता है ये रहा हमारा रूलर ये देखो इसके अंदर टोटल 18 सेंटीमीटर का रूलर हमें देखने के लिए मिलता है जो इसी के अंदर इनबिल्ट यहां पर रहता है यहां पर पेंसिल लॉक करके रख सकते हो और यहाँ पर स्कूल का टाइम टेबल लिख सकते हो तो कैसा लगा आपको मल्टीफंक्शन पेंसिल बॉक्स है डायनासोर वाला कमेंट में बताना इसके बाद यहाँ पर एक पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स है इसको निकालते हैं बाहर देखते हैं कैसा पेंसिल बॉक्स है इसके क्या क्या यूजेस है तो इसको ओपन कर लिया हमने इसके ऊपर लिखा ब्यूटी कैट्स एनिमल कलेक्शन यहाँ पर कैट बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत सारी इसका मेकअप होने लग रहा है तो यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ पर दो बटन है इसको दबाएंगे तो बटन दबाते यहां से ओपन होती है यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड हमें मिल रहा है देखने के लिए और यहां पर एक मार्कर मिल रहा है तो ये देखो ये मार्कर पूरा ड्राई हो चुका है कोई बात नहीं और ये मार्कर इसके ऊपर लिख के इससे आप ऐसे मिटा सकते हो और यहाँ से इसको बटन दबाओगे यहां से भी ये जो ओपन हो जाता है यहां पर पेंसिल लॉक मिलते हैं आप पेंसिल लॉक कर सकते हो पांच पांच इसके अंदर बाकी की स्टेशनरी इधर और इधर आप रख सकते हो तो दो जगह से ही ओपन होते हैं लेकिन दोनों जगह से ही बटन से ही ओपन होती है सो so क्या मैंने एक एक करके सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में दिखाई आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा वीडियो एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट में जरूर बताना आपको आज क्या क्या अच्छा लगा आज के वीडियो में और वीडियो को व्हाट्सअप पे फेसबुक पे शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इन्जॉय कर सके और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को दबा लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए बाय बाय दोस्तों